अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। मैं अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेके वेलाग। मैं कहता हूँ आप ठीक होंगे। और भाई अभी मैं आया हूँ इधर खुरम घर। जब मैं स्कूल गया था, स्कूल से वापस आया हूँ, तो पहले खुरम भाई मुझे लेने आए हुए थे हमारे घर। फिर उनके साथ मैं इधर द्रमड़ पे आ गया था। और इधर ये देखें, ये इनका फार्म है। अदर भी का जो फार्म था वो बिल्कुल सारा सूख गया। उन्होंने खुद सुखाए इनके ना, जो इनके अंदर सिलाव वाली मछली थी ना वो घुस गई थी, मतलब कि जो घुस गई थी वहाँ से ना, वो जो जाली है ना वो ख़राब थी ना, तो उसके अंदर से ना सारी जो मछली थी वो इसके अंदर चली गई थी जब सैलाब आया था। तो फिर इसलिए उन्होंने सारा इसको ना सुखा दिया है। और अब इसको दोबारा से मतलब किसी के पानी डाल के और मछली लेकर आएंगे। जो फार्म वाली मछली होती है ना वहीं वाले इसके अंदर डालेंगे। और जो ये उनकी मुर्गावियाँ वगैरह हैं, अब ये ऐसी बस यहाँ पे खेल रही है। इनके पानी वगैरह नहीं है, नहीं तो पहले ये पानी के अंदर तैरती वगैरह थी ना, तो अब इनका पानी नहीं है, बस ऐसे ही पूरा दिन भागती रहती है इधर। ये देखें इनके पाँव के निशाने पड़े हुए सारे इधर उधर। और ये देखें इतना ये ऊपर है और ये साइड जो है ना वो बिल्कुल नीचे है, इस तरह खींचे नीचे है। जब देखें पानी उधर, पानी ये फुल फुल भर जाता है इसके जितना जितना इसके ऊपर ऊपर तक फुल पानी भर जाता है। और फिर बंदे के ऊपर हाथ भी नहीं नजर आता अगर अंदर चला जाए तो। ये देखें फार्म बहुत बड़ा है, फार्म है। अब यहाँ पे दोबारा ये जाली है ना, ये सारी जाली ये पर ये सारे गिर गई थी, मतलब ये सैलाब के अंदर यहाँ पे जब पानी लगा था ना तो ये जाली सारी गिर गई थी और यहाँ से अंदर पानी घुस गया था। तो सारा पानी इस सैलाब वाला पानी से अंदर घुस गया था। और अभी ये देखें कितना बड़ा फार्म है, कितना बड़ा। और इनके भी अमरूद लगे हुए हैं हमारे अमरूदों की तरह। इनके अभी हल्के हल्के बीज हैं, अभी ये होने हैं अमरूद इसके ऊपर। देखिए यहाँ से देखें आज कितना बड़ा नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो है ये इनकी जमीन के ऊपर आज ही हल चलाया, अभी वो ट्रैक्टर बाहर खड़ा हुआ है। यहाँ पे पहले कुछ और था वो फिर काट के ना अब यहाँ पे हल चल रहे हैं। यहाँ पता नहीं अब क्या लगा रहे हैं, उनको पता ही, अदर भी को पता होगा। और यहाँ पे इनके मोटर वगैरह मोटर चली हुई है। ये किधर पानी पानी इस तरफ जा रहा है, पता नहीं किधर घास वगैरह को लगा हुआ होगा। मोटर इनके सोलर वाली मोटर, सोलर वाली। ये देखें जी फुल पानी आ रहा है, फुल धूप भी फुल है। ये लगी हुई है सोलर प्लेटें इनकी। और इसी से फिर ये सारा यहाँ से जो ये तार पड़ी है, तार ऊपर से तार आ रही है यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर ये मोटर के अंदर पानी चल रहा है और पानी आगे जा रहा है। ये सामने खड़े हैं खुरम भाई, क्या कर रहे हैं ऐसे ही। अभी चलते हैं सुनैलो घर, फिर आपको सुनैलो घर जाकर देखते हैं। ये देखें ये जो ट्रैक्टर है ये अभी जा रहा है, अभी इसने हल चलाए हैं यहाँ पे, लेवल वगैरह किया, लेवल ब्लेड लगाया। और हम इधर इसके अंदर बैठे हुए थे, इसके अंदर बंदा बैठ के फुल सिग्नल वगैरह भी आते हैं यहाँ, बहुत मजा आता है यार। हम जा रहे हैं सुनैलो घर सामने उधर इस तरफ, तो वहाँ जाके देखते हैं जुनैर है या फिर जुगनू तो होगा, जुनैर नहीं होगा तो। बाकी ये खुरम भैया बहुत प्यारे हो, यहाँ पर भी बहुत ग्रीनरी है हर तरफ, बस ये क्या होता है ना ही भूल कश बड़ी पी पता नहीं। तो वही देखें हर तरफ से ग्रीनरी है, इधर भी हमारे इलाके में भी बहुत ग्रीनरी है, क्योंकि अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि हर तरफ ग्रीन ग्रीन चीजें आपको नजर आएंगी अगर आप गाँव में होगे तो। ये है जी सरसों का साग जो कि अभी बहुत ही बड़ा हो चुका है, मतलब कि ये पहले सरसों का साग था लेकिन अब बड़ा हो चुका है। और जी ये रेडी वाला, ये पता क्या करते हैं, ये जो ना जब आपके ट्रॉले वगैरह जाते हैं ना गन्ने वाली, और ये मतलब यहाँ गन्ने पड़ रहे थे ना साइडों पे, ये लोग ना वो वाला उठा के ना फिर उसको जाके बेच देते हैं, फिर उनसे पैसे लेते हैं बस ऐसे ही फ्री में। बस ये पूरा दिन ऐसे घूमते फिरते रहते हैं यार ये इलाकों में, ऐसे रोड के साथ से गिरते घूमते रहते हैं। अगर गन्ना वगैरह पड़ो तो फिर उठा लेते हैं गन्ना, फिर अपने साथ ले जाते हैं घर। और ये देखें यहाँ पे इनकी बहुत सारी मुर्गावियाँ, बहुत सारी। ये जो व्हाइट वाली फिर है ना, व्हाइट कलर वाली, ये उन्होंने ना अभी भी न्यू ली है। ये सामने जो ये अभी आ रहे हैं, ये खुरम भी ने ऐसे किया, हाथ ऐसे किया, वो भाग भाग के आ रहे हैं, वो उन्होंने समझा कि शायद खाना लेके आए हैं। इनके भी सोलह पेटे हैं, इनके थोड़े ज्यादा हैं, यहाँ पर भी हैं और उस तरफ भी हैं। और ये देखें यार बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ है इन लोगों ने इधर। ये ऐसे रोड, बंदा रोड से आते हैं और सीधा ही फार्म नजर आते हैं और यहाँ पे डेरा नजर आते हैं। और यहाँ पे जो चारे पड़े हैं अगर किसी ने धूप पे बैठना हो तो फिर धूप पे बैठ सकते हैं। ये देखें ये फार्म इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, वो ज्यादा गहरा भी नहीं है, वो अदर भी वाला फूल बड़ा है और गहरा भी फूल ज्यादा है गहरा।
टेढ़ा नहीं कह रहा। और ये देखें, ये फूल भी लगे हैं, हल्के हल्के फूल, और तो नहीं है, बस यही फूल थे। हाँ ये रहा, ये रहा, इनके यहाँ पे लगे हुए हैं, कितने मजे के हैं। हाय कुत्ता बैठे हुए, हाल कुत्ता बैठा है धूप ते, उधर धूप में बैठा हुए। ये देखें भाई, ये किस चीज का फूल है? अच्छा ये इसका है, मैंने समझा इसी पौधे का फूल है, ये सूखा हुआ है जो। ये कौन सा पता नहीं पौधे है, इतने बड़े बड़े पत्ते हैं इसके। पहुंच चुके हैं अपने पुल के ऊपर, और यहाँ आप देख सकते हैं जो सिलाब वाला पानी था, मतलब कि जो पुल का पानी है वो भी नहीं बचा हुआ, थोड़ा बचा हुआ है, मतलब कि पानी आगे भी कहीं जा भी नहीं रहा, रुका हुआ है पानी। इधर मच्छी फुल है, मच्छी उधर फुल है, फुल मच्छी इतनी है, ये देखो पानी इतना है, और मच्छी भी इसमें बड़ी बड़ी मच्छी है, फुल फुल। और इस तरफ से भी बस वहाँ पे जाके ना वहाँ पे पानी रुक चुका है, और ना विचड़े ने मरा एक कलाकार विचड़े ने। और पानी का रंग आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा रंग है, आपके नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन बड़ी बड़ी मच्छी। यार भाई इधर दरिया पे आके ना एक चीज मुझे बहुत बुरी लगी यार, ये सामने बंदे ना, ये जो जानवर वगैरह ना, जानवर वो इधर फेंक जाते हैं, वो देखो सामने जानवर पड़े हैं, शायद नजर ना आ रहा हो, और ये वहाँ पे कवे भी और बहुत सारे कुत्ते भी बैठे हैं उनके जानवर के साथ। यार ये बात बहुत गंदी होती है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तो यहाँ पे ना ये सिर्फ एक जाना पड़ा हुआ ना, पहले तो यहाँ पे ये इस तरफ में ना वो वाली साइड है ना, वहाँ सामने ये इधर इधर पहले ना, जब ये हमारे इलाके में ना एक बीमारी आई थी ना, ये जो जानवर फौत हो जाते थे, तो फिर ना यहाँ ये यहाँ पे इस तरफ सारे जानवर थे, सारे इस तरफ भी सारे, मतलब कि ना इतनी बदबू आती थी कि बंदा ना पुल पे आ भी नहीं सकता था, बंदे को इतना इतना अजीब अजीब फील होता था ना, बहुत गंदी बदबू आती थी, और यहाँ आने का दिल भी नहीं करता था। और अभी देखो अभी कितना मजे का व्यू है यार, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की धूप है, फिर हल्की हल्की हवा भी चल रही है, और क्या बताऊँ यार, माशाल्लाह बहुत ही मजे का। जी यहीं पे कर रहे हैं अपने व्लॉग एंड, मैं कहता हूं आपको व्लॉग अच्छा लगा, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं व्लॉग एंड कर रहा हूं रात को, फुल रात को, ये देखो हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे हैं, और मैं अभी व्लॉग एंड कर रहा हूं क्योंकि ना मैं पहले व्लॉग एड करने भूल गया था, अभी मैं व्लॉग एड करने लगा हूं तो ना, तो फिर मैंने कहा यार मैंने एंड तो किया नहीं, मैंने एक क्लिप और बनाया नहीं है, तो भाई जोर से लाइक सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।